यहां पे है गाइज हमारे पास में इंफेनिक्स नोट 11 और इसकी भाई डिमांड आ रही थी यहां पे Redmi Note 10 के साथ में कंपैरिजन की तो भैया लेकर के आ चुके हैं Redmi में आपको 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर का वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है लेकिन वो चौदह हजार रुपए का आ रहा है इस समय लेकिन वही इन्फेनिक्स अगर आप देखें तो वो भैया ट्वेल्व नैनोमीटर वाले आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर के साथ में आता है और आ रहा है भैया बारह रुपए में और भैया दोनों ही फोन में एमुलेट डिस्प्ले मिलती है तो भैया यहाँ पे इसीलिए इन्फिनिक्स नोट टेन की डिमांड बहुत ज़्यादा है और काफ़ी लोग देखना चाह रहे थे कि आगे का रेडमी और इन्फिनिक्स में जो डिफरेंस है ना वो क्या ही निकल के आता है तो मैंने कहा कि चलिए भैया आप लोग ये डिमांड पूरी करते हैं यहाँ पे सबसे पहले परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं उसके बाद फुल कंपेरिजन भी लेकर के आ जाएंगे आप लोगों के लिए लेकिन फिलहाल के लिए ये स्पीड टेस्ट में देखते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे इन्फिनिक्स का फ़ोन लेंगे तो रेडमी नोट टेन से कितना ज़्यादा आगे है या फिर कितना ज़्यादा पीछे ठीक है तो भैया इस बात पे तो लाइक बनता तो लाइक दे देना और साथ ही साथ चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाना और बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड तो फिर भाई इस यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं बूट टेस्ट दोनों ही टेस्ट दोनों ही फोन में एक साथ लेट सी कि भाई यहाँ पे बूट टेस्ट में इनिशियली भाई कौन जीतता है देखो बूट टेस्ट का बहुत ज्यादा यहाँ पे परफॉर्मेंस पे तो अंतर पड़ता नहीं है लेकिन फिर भी कई लोग चाहते हैं तो भैया है, उन चाहने वाले लोगों के लिए हमने कहा कि चलो बूट टेस्ट ले आते हैं यहाँ पे दोनों ही फोन को एक साथ हमने स्विच ऑफ कर दिया है और देखिए भैया यहाँ पर रेडमी ने पहले ओपन कर दिया है ठीक है तो लेट सी की नेक्स्ट वाले टेस्ट में क्या होता है और कौन जीतता है इसके बाद गई ये वाला टेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होया जाता है कि अगर वाईफाई की स्पीड कौन से यहाँ पे प्रोसेसर में ज़्यादा बेटर देती है एक्चुअल में जो मॉडर्न लगा होता है प्रोसेसर में वो एक्चुअल में डिसाइड करता है कि क्या स्पीड आएगी लेकिन यहाँ पे लेट सी कि भाई यहाँ पे क्या आता है पहले इन्फिनिक्स देखिए यहाँ पे इन्फिनिक्स में हमने जब यहाँ पे इंटरनेट स्पीड टेस्ट किया बेसिकली वाईफाई से दोनों ही फोन कनेक्टेड है सेम वाईफाई से ठीक है तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्पीड जो इन्फिनिक्स में आ रही थी वो आ रही थी फोर्टी की और अपलोडिंग आ रही फिफ्टी की लेकिन वहीं अगर हमने जब रेडमी में गई ये चीज़ देखी तो शॉकिंगली गई

इसके बाद हम लोग गाई यहां आ गए हैं यहाँ पे काइन मास्टर वीडियो रेंडिंग टेस्ट की तरफ जो बेसिकली सीपीयू की पावर को दिखाता है कि कौन सा सीपीयू ज्यादा वीडियो को रेंडर कर देता है तेजी में ठीक है लेकिन इसके बाद भाई सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट भी है और यहाँ ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट भी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए सेम क्वालिटी की वीडियो को रखने के लिए इन जो है वॉल होते हैं लाइन पर लाइन सेट करके दोनों को एक साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट पर लगाएंगे और जल्दी से देख हम लेंगे कि आखिरकार भैया यहाँ पे कौन सा फोन पहले भी यहाँ पे वीडियो को एक्सपोर्ट कर देता है तो आप देखेंगे कि भैया यहाँ पे रेडमी वाले फोन ने ज्यादा पहले वीडियो को एक्सपोर्ट करी ठीक है आपके सामने रिजल्ट तो भाई इसके बाद में हम लोग आ गए सीपीयू पी टेस्ट की तरफ और ये वाला टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्चुअल में दोनों ही फोन के सीपीयू पे ना इंटेंसिव प्रेशर डालता है ये वाला पर्टिकुलर एप्लीकेशन और इसमें हमें एक्चुअल में पता चलता है कि भैया जो फोन का सीपीयू है ना किसका ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा अगर आप उस पर लगातार जैसे गेमिंग वगैरह करेंगे या फिर इंटेंसिव प्रेशर डालने वाला कोई भी काम करेंगे ठीक है तो यहाँ पे देखिए दोनों में से स्टेबल ग्राफ तो दोनों का ही है लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस अगर देखेंगे ना तो यहाँ पे रेडमी वाले की थोड़ी सी बेटर आ रही है वो भी हल्का सा इसके बाद गाइज हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे स्पीड टेस्ट की तरफ ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट ठीक है तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशन है और आप देखिएगा कि यहाँ पे पहले कौन ओपन होता है यहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशन में ट्विटर हमने दोनों एक साथ ओपन किया है हल्का सा पहले यहाँ पे रेडमी ने ओपन कर दिया उसके बाद अगर इंस्टाग्राम की बात कर ले तो इंस्टाग्राम में यहाँ पे इन्फिनिक्स जीतता हुआ नजर आ रहा है गाइज यहाँ पे इसके बाद अगर एमेजोन की बात कर ले तो गाइज यहाँ पे शॉपिंग एप्लीकेशन में अगेन इन्फिनिक्स से पहले ओपन कर दिया है और रेडमी तो अभी भैया ओपन ही कर रहा है तो ये क्या चल रहा है लेकिन लेट्स सी फ्लिपकार्ट में क्या होता है फ्लिपकार्ट में शॉपिंग एप्लीकेशन है और यहाँ पे बहुत ही माइनर मार्जिन से इन्फिनिक्स ही विनर है और अगर हम यहाँ पे डी आर एम इनफो की बात कर लें तो भैया दोनों में ही आपको वाइट वाइन सॉरी इन्फिनिक्स में आपको वाइट वाइन एल थ्री की सर्टिफिकेशन मिलती है और रेडमी में बेहतर वाइट वाइन एल वन की सर्टिफिकेशन मिलती है और अगर आप एमेजोन प्राइम में जाएंगे तो यहाँ पे रेडमी का फोन बहुत ही बेहतर क्वालिटी में वीडियो को प्ले कर पाएगा वही इनफिनिक्स ने सर्टिफिकेशन लिया नहीं इसलिए वो प्ले कर सकता नहीं और अगर यूट्यूब की बात कर लें तो अगेन यहाँ पे रेडमी का फोन थोड़ा सा आगे जाता हुआ नजर आ रहा है और अगर फोर के वीडियो साइड बाई साइड अगर हम चला लेंगे ना तो भैया रेडमी का जो फोन है ना उसकी आ, उसके में थोड़ा सा ब्राइटनेस मुझे कम लग रही है इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देखने में लगेगा लेकिन अगर हम लोग uh, कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे रेडमी ज्यादा बेटर है लेकिन आप देखिए ना यहाँ पे साइड बाय साइड में हमें यहाँ पे इन्फिनिक्स का फोन में ज्यादा ब्राइटनेस मालूम दे रही है अब हाउ इज इट पॉसिबल आई डोंट नो बट दिस इज द रियल फैक्ट विच कैन एक्चुअली सी फ्रॉम द नेकेड और इवन अगर आप कैमरा में देखना चाहें तो वो भी आप देख जो सकते हैं यहाँ पे मैंने फुल ब्राइटनेस करी हुई है आपके सामने तो प्रूफ था ठीक है इसी की की जस्ट अगर हम लोग पे नेक्स्ट तरफ चलेंगे जो एक मिनट जब आपको दिखा रहा हूँ वो होगा इनका ब्राउजिंग टेस्ट देखिए क्रोम में दोनों में ही एक साथ यहाँ पे टैप करके ओपन किया है और यहाँ पे दोनों ही रमसम में एक साथ ओपन हो गया है लेकिन एक ये एप्पल की जो वेबसाइट है ना इसी भी हम लोग यहाँ पे टेस्ट करेंगे अपनी वाली वेबसाइट तो अभी भाई डोमेन ने हमारा दोबारा परचेज नहीं किया अभी दोबारा परचेज कर लेंगे लेकिन फिलहाल के लिए अभी इसमें देख अगर लेते हैं तो यहाँ पे इनफिनिक्स ने पहली बार में यहाँ पे हल्का सा पहले खोला एक बार दोबारा देख लेते हैं अगेन इन्फिनिक्स ने पहले ओपन किया है एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए लेट्स सी गई यहाँ पे तो एक सेकेंड यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा एक बार और टैप किया थोड़ा सा बराबर था यहाँ पे ठीक है तो मतलब कभी रेडमी दे रहा है कभी इन्फिनिक्स दे रहा है लेकिन यहाँ पे ज्यादातर टाइम यहाँ पे हल्का सा आगे रह रहा है इनफिनिक्स फिलहाल के लिए जो सामने रिजल्ट आ रहे हैं वो आपके सामने मैं कुछ यहाँ पे झूल झपाटा कर नहीं रहा हूं ठीक है तो ये आपके सामने ही है इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वाले टेस्ट की तरफ वो है गेमिंग वाला जरा उसको देखिए देखिए इस यहाँ पे सबसे पहले टेम्पल रन ओपन कर रहे हैं दोनों में एक साथ टैप किया था लेकिन आप देखेंगे भैया यहाँ पे रेडमी का डिवाइस जो है ना यार वो नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे स्पीड अप पकड़ा हुआ है और यहाँ पे गेमिंग में टेम्पल रन को उसने बहुत पहले खोल दिया और यहाँ इन्फिनिक्स अभी लोडिंग में ही था तो यहाँ पे हमें पता चलता है

ठीक है उससे ऊपर की कोई सेटिंग्स नहीं मिलती है ठीक है तो ये था हमारा ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट उसके बाद देखा जाए भी, कौन कौन सी एप्लीकेशन दोनों में ओपन है यहाँ पे आ, रैम को एक्सपेंड करने का ऑप्शन आपको रेडमी में रे, आ, रैम बूस्ट के नाम से मिलेगा लेकिन इनफिनिक्स में ऐसा कुछ मिलता नहीं है लेकिन अभी आप देखिए दोनों ही बेस्ट अपने पोजिशन पे है और आप देख सकते हैं अमेजोन तक तो सब ठीक था लेकिन अमेजन के बाद में यहाँ पे दोबारा एप्लीकेशन ओपन हुई है दोनों में ही ठीक है तो इसके बाद में अगर एंड टू बेंच दिखा दे तो आप देख ले भैया साइड बाय साइड यहाँ पे कौन क्या कैसे है लेकिन अगर मैं बताऊं तो भैया फुल रिव्यू आ रहा है तो उसका वेट करो रिज़ल्ट मिल जाएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बोलना नहीं तो गाइज दिस वॉज ऑल आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू